न्यूज प्रव्यूज सेगमेंट में आप सबका स्वागत है और माफ कीजिएगा मार्केट दिवाली से दिवाली तक ये हमारी विशेष पेशकश और इसमें हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रही है राधिका गुप्ता जी। राधिका जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। आज थोड़ी आपसे म्यूचुअल फंड रिलेटेड बातें की जाएगी। इस दिवाली पर मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रसन्न है तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है, राइट? मतलब पूरा साल आपके लिए जिस तरह का दमदार रहा है, जितना भरोसा हिंदुस्तान के निवेशकों ने म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पे दिखाया है, मेरे ख्याल से ऐसा साल कभी रहा नहीं होगा। आपको लगता है अगली दिवाली इससे और बेहतर होगी इंडस्ट्री के लिए? नमस्ते अनिल जी, सबसे पहले तो आपको, आपके दर्शकों को, सभी निवेशकों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सही कह रहे हैं, ये दिवाली बहुत अच्छी रही है, लेकिन मुझे लगता है यही नहीं, थोड़ा लंबा सोचना चाहिए। पिछले 3-4 दिवालियां हमारे कैपिटल मार्केट्स, हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छी रही हैं। ये जो म्यूचुअल फंड है, ये एक दिवाली की अपॉर्चुनिटी नहीं है। मुझे लगता है हमारी इंडस्ट्री एक 5-10 साल का स्ट्रक्चरल अपट्रेंड देख रही है। मैं हमेशा कहती हूँ, मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत मानती हूँ कि मैं इस इंडस्ट्री में इस दौरान हूँ जब भारतीय इंसान को निवेश करने का एक खुद में वो है, जज्बा है, वेल्थ क्रिएशन इक्विटीज के माध्यम से करना चाह रहा है और म्यूचुअल फंड जैसी चीज पे वो भरोसा करना सीख गया है। तो मेरी उम्मीद है कि यही दिवाली नहीं, होपफुली अगली 5 दिवालियां भी बहुत अच्छी जाए। ये बढ़िया है, बस आपने तो जोश और बढ़ा दिया कि अगले कई दिवाली तक आपको बढ़िया एक्शन देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे कि परंपरा है, इस दिवाली से उस अगली दिवाली तक हम थोड़ा बाजार का आउटलुक भी आपसे लेना चाहते हैं, उसके बाद में इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी भी पूछूंगा। क्या लग रहा है मार्केट पर, क्या व्यू है आपका? जहां तक मार्केट की बात है, इट इज अ टेल ऑफ टू सिटीज इन सम सेंस। एक है हिंदुस्तान की करंट सिचुएशन, जहां इकोनॉमिक ग्रोथ आपकी अभी भी काफी रोबस्ट है, वो 6.5% हो या 7% हो, आप डिबेट कर सकते हैं। एंड मुझे लगता है इंडिया की स्टोरी अब एक मल्टी सेक्टोरल स्टोरी हो गई है। पहले जब हम मार्केट की बात करते थे तो एक बहुत स्मॉल सेक्शन ऑफ कंपनीज मार्केट में पार्टिसिपेट करती थी, कंजम्पशन स्टॉक्स होते थे, ग्रोथ स्टॉक्स होते थे, लेकिन अब एक ब्रॉड बेस्ड आप इकोनॉमिक लिफ्ट देख रहे हैं, खासकर जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग साइड ऑफ द इकोनॉमी है, इंजीनियरिंग साइड, तो एक ब्रॉड बेस्ड आपको इकोनॉमिक रिकवरी दिख रही है और मेरे हिसाब से वो कंटिन्यू करती जाएगी। हम पिछले डेकेड में जहां अर्निंग्स की प्रॉब्लम थी, वहां से शिफ्ट होके एक पॉइंट पे आ गए हैं जहां निफ्टी की अर्निंग्स डबल डिजिट में कंफर्टेबली है, तो ये तो अच्छी बात है। अब दूसरी बात यह है कि आपका जो ग्लोबल माहौल है वो इतना इनकरेजिंग नहीं है। एक तो यूएस थोड़ा सा अप एंड डाउन रहा है, लेकिन ये जो हार्ड लैंडिंग का जिक्र हुआ है, जहां इंटरेस्ट रेट 5% हो गया है, मॉर्गेज रेट 8% हो गया है, होम लोन का जो कि बहुत हाई है, मैं तो उस मार्केट में रह चुकी हूँ, काम कर चुकी हूँ, तो वहां आपको ये सिचुएशन दिख रही है। तो एक ग्लोबली ट्रिकी सिचुएशन में हिंदुस्तान बहुत अलग लग रहा है और ये बैकड्रॉप में शायद हमें इस साल को एंटर करना चाहिए। राधिका जी, इस वक्त बड़ी चर्चा वो लार्ज कैप वर्सेस मिड कैप, स्मॉल कैप, ये सब चल रही है और इन्वेस्टर्स भी पैसा तो स्मॉल कैप मिड कैप में ही लगाना चाहते हैं, वहाँ ज़्यादा बन रहा है, लेकिन फंड मैनेजर्स ज़्यादा कहते हैं कि भाई रिस्क इधर कम है। तो क्या, किस तरह की स्ट्रेटजी रखी जाए? क्या कोई मल्टी कैप फंड्स, फ्लेक्सी फंड्स, हाइब्रिड फंड्स, क्या क्या सजेस्ट करती हैं आप? आई थिंक आपने मेरी ज्यादातर मुंह की बात छीन ली। दो ये वो है कि कुछ लोग कहते हैं सिर्फ मिड एंड स्मॉल करो, कुछ लोग कहते हैं इसमें बहुत रिस्क है। आई थिंक आंसर समवेयर जिंदगी में मिडिल पाथ है। मेरा मानना है कि जो एक पुराना वो था विचलन कि आप सिर्फ लार्ज कैप फंड होल्ड कर सकते हैं, सिर्फ निफ्टी होल्ड कर सकते हैं, वो एक्यूरेट नहीं रहा अनिल जी, अगर आपको अगले 5-10 साल का पोर्टफोलियो बनाना है, क्योंकि वो निफ्टी बहुत अच्छा इंडेक्स है लेकिन वो लार्जली एनर्जी, फाइनेंशियल्स, आईटी को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपको इकोनॉमी के ब्रॉड बेस्ड सेक्टर्स चाहिए, जैसे अगर आपको कैपिटल गुड्स, केमिकल्स, कैपिटल मार्केट्स, डायग्नोस्टिक्स, ऐसे सेक्टर्स, ये सारे लीडर्स मिड एंड स्मॉल कैप में प्रेजेंट हैं। और आज अनिल जी, हमारी एवरेज मिड कैप कंपनी का साइज 30,000 करोड़ है, हमारी एवरेज स्मॉल कैप कंपनी का साइज 12,000 करोड़ है, तो ये कंपनियां छोटी नहीं रही हैं जैसे 20 साल पहले होती थी। तो मेरे हिसाब से अब एक निफ्टी से आपका कंप्लीट पोर्टफोलियो नहीं बन सकता, लेकिन अगर आप प्योर मिड एंड स्मॉल कैप पोर्टफोलियो बनाए तो शायद वो थोड़ा सा अग्रेसिव हो सकता है। तो दो आंसर हैं, अग्रेसिव इन्वेस्टर के लिए या जो नॉर्मल इक्विटी इन्वेस्टर है उसके लिए मल्टी कैप एक बहुत अच्छा पोर्टफोलियो है, अभी हाल ही में हमने भी लॉन्च किया है,
40-30-30 का जैसे लार्ज मिड स्मॉल का स्प्लिट आता है, ये बहुत इन्वेस्टर्स के लिए एक बेसिक पोर्टफोलियो। अगर किसी को एक बेसिक एसआईपी शुरू करनी है, मैं कहती हूँ इसमें करो। अगर आप थोड़े से कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं तो आप जरूर हाइब्रिड फंड्स की तरफ देख सकते हैं जहां पूरा इक्विटी एक्सपोजर नहीं है, या तो आप बैलेंस्ड एडवांटेज या अग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स, ये मेरी दो फेवरेट कैटेगरीज हैं, इनको देख सकते हैं। बट इन दोनों सॉल्यूशंस में आई थिंक आपका पोर्टफोलियो बन जाएगा। ओके परफेक्ट, तो ये आपके लिए बेहतर होंगे फंड्स जहाँ पर आप न सिर्फ सिर्फ लार्ज कैप या सिर्फ मिड कैप स्मॉल कैप पर न जाकर एक बैलेंस पोर्टफोलियो बनाएं 5 से 10 साल के लिए। क्या पसंद है आपको हिंदुस्तान की ग्रोथ पर, आपको इतना भरोसा है निवेश करने के लिहाज से, आपको क्या लगता है 3 साल 5 साल में कौन से सेक्टर्स बेहतर रह सकते हैं? देखिए, पहले तो आनंद जी, मैं सिंगल सेक्टर में मानने वाली नहीं हूं, क्योंकि मुझे लगता है अगर आप 5 साल की ग्रोथ देखें हिंदुस्तान की, तो वो एक सिंगल सेक्टर रिप्रेजेंट कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि मुझे टेक में भी एक स्टोरी दिखती है और मुझे इंजीनियरिंग में भी एक स्टोरी दिखती है, और मैं खुद फाइनेंशियल सर्विसेज से आती हूँ, तो मैं वहां भी बहुत बुलिश हूँ। लेकिन एक सेक्टर जिसकी, सिंस आपने पूछा, जिसकी हम बात कर रहे हैं या एक जो थीम है, वो है रिवाइवल एंड ग्रोथ ऑफ इंडियन मैन्युफैक्चरिंग। हिस्टोरिकली देश एक सर्विसेज ओरिएंटेड कंट्री रहा है, आईटी में आज हमारे 200 बिलियन के ऑलरेडी एक्सपोर्ट हो चुके हैं, लेकिन मुझे लगता है हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग और इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी है वो बढ़ रही है। सिर्फ असेंबली लाइन वाली नहीं, इन हाउस इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी बढ़ रही है। आज हिंदुस्तान में गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है, तो एक बड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर की जो बेनिफिशरीज हैं, इसमें बहुत कंपनीज आती हैं, इंडस्ट्रियल कंपनीज आती हैं, कैपिटल गुड्स कंपनीज आती हैं, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग आती है, बट ये बड़ी थीम है। और वो कंपनीज फाइनेंशियल सेक्टर में जो इनको फंड भी करती हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर के बेनिफिशरीज को, उसमें हम ऑप्टिमिस्टिक हैं। ये जो मैंने पहले कहा था ना कि डोमेस्टिक मार्केट सिचुएशन ग्लोबल मार्केट सिचुएशन से ज्यादा अच्छी लगती है, ये व्यू उससे भी अलाइन करता है और हमारे फंड्स में भी है। राधिका जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय दिया, और दिवाली पर इस विशेष शो में आपने अपनी राय भी हमारे दर्शकों को दी। एक बार फिर से आपको और आपकी पूरी टीम को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। शुक्रिया। आइए बढ़ते आगे सरिता।